आज 14 नवंबर है जो कि बाल दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। चाचा नेहरू का जन्मदिन है आज और 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था। और उत्तराखंड का एक गांव ऐसा है जहां मैं आज पहुंचा हूं, जहां उनका जन्म से लेकर और जब 27 मई 1964 को उनकी डेथ हुई थी तब तक का पूरा रिकॉर्ड जो है वो एक दस्तावेज के रूप में जो कि कई मीटर यहाँ पे लंबा है आप देख सकते हैं विजुअल्स में। दूधतूली नंदा खेत एक गाँव है बीरोखाल में और आप रमेश बौड़ाई जी हैं। आपके जो ससुर जी थे उन्होंने इसे संरक्षित किया और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस, हालांकि आज देश में कांग्रेस काफ़ी पिछड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये दस्तावेज पूरा संरक्षित रखा गया था उससे ये लगता है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में जिंदा है और कहीं ना कहीं आज भी लोग चाहते हैं कि जो चाचा नेहरू ने अपने जमाने में काम किए वो कांग्रेस की नई पीढ़ी भी करे। मेरे साथ बौड़ाई जी है, बौड़ाई जी से जानेंगे इस दस्तावेज के बारे में और उनके ससुर जी के बारे में जिन्होंने ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड संरक्षित किया था। बौड़ाई जी, ये जो दस्तावेज है ये कैसे मिला आपको? ये जो मेरे पूजनीय ससुर जी थे उन्होंने मरने से पहले उन्होंने इसको मेरे हवाले किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी विरासत है इसको आप आगे बढ़ाना। और
लगभग आज उनको 10-12 साल हो गए हैं, गए हैं इस दुनिया से, और उन्होंने इसको मेरे को दिया था कि आप ही इस मेरी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने को कांग्रेसी कहते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, तो कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस ने ही इस देश को गुलामी से आज़ाद कराया था। और मेरा मानना है कि जो लोग अपने को बहुत ज़्यादा कांग्रेसी बताते हैं और आज वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके इधर उधर चले गए हैं, तो वो असली कांग्रेसी नहीं हो सकते। असली कांग्रेसी ये लोग थे जिन्होंने इस विरासत को मतलब 5 साल के नेहरू से लेकर के और अंत्येष्टि तक उनकी ये सारी विरासत को संभाल के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि जितने कांग्रेस के नेता हैं शायद उनके पास भी ये दस्तावेज नहीं होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन में है और जगह जगह ये आलोचना होती है कि नेहरू जी ने अपने ज़माने में कोई काम नहीं किया और इसी वजह से देश पिछड़ गया, क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नेहरू जी अपनी जगह में बहुत सही थे और उन्होंने इस देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। अगर नेहरू जी नहीं होते तो आज ये देश इतने आगे भी नहीं होता। और जो लोग ये कहते हैं वो राजनीतिक बातों से ये कहते होंगे, लोगों को बरगलाने के लिए कहते होंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि नेहरू जी हमारे देश की सबसे बड़ी विरासत है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेहरू जी की पूरी उनका जीवन का एक वृतांत है वो यहाँ पहाड़ के उत्तराखंड के छोटे से गांव में संरक्षित है। और इस संरक्षित दस्तावेज को देखकर और जबकि आज उनका जन्मदिन है, बाल दिवस है, इसको देखकर ये महसूस जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो नेहरू जी थे उन्होंने अपने ज़माने में बढ़िया काम किए होंगे, तभी एक उत्तराखंड के छोटे से गांव में उनका जो पूरा कार्यकाल था वो संरक्षित किया गया। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी के बीरोखाल से आशुतोष।